अखिल भारतीय मेवाड़ा धनगर गायरीज महासभा द्वारा आज कलेक्टर कार्यालय में करणी सेना राजस्थान के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के खिलाफ ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई। जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार अजय हिंगे को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना द्वारा 8 जनवरी को भोपाल में गायरी समाज के विरुद्ध सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया और समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, जिससे पूरे गायरी समाज में आक्रोश है। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि महिपाल सिंह मकराना द्वारा लाखों लोगों के बीच में गायरी समाज को गाय, भेड़, बकरी, भैंस चराने वाली जाति का कहना उनके समाज के प्रति गलत मंशा को दर्शाता है। उनके द्वारा अपमान करने का कृत्य किया गया है। ज्ञापन में गायरी समाज द्वारा मांग की गई कि महिपाल सिंह मकराना के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए, महिपाल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, राजपूत करणी सेना को प्रतिबंधित किया जाए और अन्यथा गायरी समाज राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होगा। ज्ञापन देते समय गायरी समाज के जिला अध्यक्ष बंसीलाल धनगर, भरत धनगर, राम प्रसाद धनगर, रूपचंद धनगर सहित बड़ी संख्या में गायरी समाज के लोग मौजूद रहे। हाँ, आज के धनगर गायरी समाज के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन इसलिए दिया गया कि भोपाल में जो अभी आंदोलन हुआ था उसमें करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो महिपाल सिंह जी है, उन्होंने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी, कोई ना ऊंचा है कोई नीचा है, सभी जातियाँ, सभी वर्ग, सभी समाज बराबर हैं। किंतु उनके द्वारा जो ऊंच नीच की खाई पाटने का और खाई बढ़ाने का जो काम किया और जाति विशेष धनगर गायरी गुजर समाज को, पशुपालक समाज और इस प्रकार से अपमानित करने का काम किया है, तो हम उनकी घोर निंदा करते हैं और उसके खिलाफ आज हमने ये कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमने मांग की गई है कि उनके ऊपर कार्रवाई करके इस प्रकार का जो संगठन है उनको प्रतिबंधित करने का काम किया जाए। समाज आज पूरा समाज एकत्रित होकर यही मांग करता है कि ऐसे लोगों को प्रतिबंधित किया जाए और भविष्य में ऐसी कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं की जाए। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।